भाई ये है मेरे साथ में 125 सीसी की दो ऐसी मोटरसाइकिल जो अपने लुक्स के लिए तो है ही पॉपुलर, बाकी ये फीचर भी एक से बढ़कर एक दे रही है तुम्हें। और हाँ, कौन सी मोटरसाइकिल लेनी चाहिए ये कन्फ्यूजन भी है, तो ये कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा आज के इस वीडियो में। भाई साइड बाय साइड हीरो एक्सट्रीम 125R और पल्सर की NS125 लेके आ गया हूँ और आपको बताऊंगा दोनों में से कौन सी में क्या क्या तुम्हें मिल रहा है और कौन सी तुम्हें खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहले भाई लुक की बात कर लेते हैं, तो देखो सामने से देखने पर दोनों जो है वो कुछ ऐसी नज़र आ रही हैं। अब पल्सर में अगर तुम देखोगे ना तो डिज़ाइन जो तुम्हें NS160 और NS200 मिलता है वही वाला मिलेगा। LED हेडलाइट जो है वो यहाँ आ चुकी है, ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन है, यानी कि जब बाइक स्टार्ट होगी तभी तुम्हारे DRL और लाइट जो है वो ऑन होती है। इंडिकेटर तुम्हें यहाँ हेलोजन वाले मिलेंगे। बाकी फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और यहाँ 240mm का डिस्क ब्रेक मिल जाएगा 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ में, और जिसमें कि तुम्हें भाई ये टायर मिलेगा 80x100 का। और एक्सट्रीम की बात करोगे तो देखो एक्सट्रीम की लुक्स की वजह से ही ये पॉपुलर हो रही है और काफ़ी लोगों को ये ज़बरदस्त लुक जो है ना पसंद भी आ रही है। हेडलाइट देखोगे तो LED प्रोजेक्टर दे रखा है, फर्स्ट इन सेगमेंट है, किसी और में नहीं मिलता। उसके बाद इंडिकेटर है, ये भी LED है, ये भी किसी में नहीं मिलते। और इनमें मिल जाता है भाई हज़ार्ड का फंक्शन, यानी कि ये देख रहे हो चारों इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हो तुम एक्सट्रीम में, ये भी तुम्हें पल्सर में तो नहीं मिलेगा। और फ्रंट में मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। अब देखो टेलीस्कोपिक तो दोनों में है, लेकिन अगर इसका साइज़ की बात करोगे ना डाया की, तो ये भी तुम्हें एक्सट्रीम में बड़ा मिलेगा। और फ्रंट में 276mm का डिस्क ब्रेक मिल रहा है ABS के साथ, 17 इंच का लोहे है, यहाँ पे 90x90 सेक्शन का टायर है, तो टायर भी चौड़ा मिल रहा है पल्सर के मुकाबले। तो भाई फ्रंट में तो ज़्यादा फीचर तुम्हें एक्सट्रीम में देखने को मिल रहे हैं। अब और क्या कुछ मिल रहा है चलो उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मीटर दिखाता हूँ दोनों का। एक्सट्रीम का देखोगे तो यहाँ भी फुल डिजिटल मीटर है, ये देखो फुल डिजिटल है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें, स्पीड दिख जाएगी, गियर दिख जाएगा, ओडो है, ट्रिप है, रियल टाइम माइलेज है, सेटिंग्स यहाँ से चेंज कर सकते हो, क्लॉक है, और इस मीटर की ना तुम ब्राइटनेस भी अपने हिसाब से कर सकते हो, 20% से लेकर 100% का ऑप्शन मिलता है, तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। रात के समय में बहुत ज़्यादा लगती है तो ब्राइटनेस कम कर लो, फिलहाल ये लो पे है। और स्विच वगैरह की बात करें तो ये देखो हज़ार्ड का यहाँ पे दे रखा है, बाकी हाई बीम लो बीम है, पास है इंडिकेटर है, हॉर्न है, हॉर्न भी काफ़ी अच्छा है, और यहाँ इंजन किल स्विच के साथ ही तुम्हें इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन मिल जाता है। चलो आवाज़ भी सुन लो एक बार। तो ये थी भाई एक्सट्रीम की आवाज़। अब पल्सर में देख लेते हैं क्या कुछ है। तो भाई पल्सर के अंदर भी अब फुल डिजिटल मीटर आ चुका है, सेम ये तुमने बहुत सारी पल्सर में देख लिया होगा, NS125 में भी, 160 में भी, N में भी है, सब में यही वाला मीटर है। इसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, गियर इंडिकेटर मिल जाएगा, स्पीड है, ओडो है, ट्रिप है। हाँ एक दो चीज़ें तुम्हें इसमें एक्स्ट्रा भी मिलती हैं, जैसे कि रियल टाइम माइलेज भी है और तुम्हें यहाँ पर डिस्टेंस टू MPT भी मिल जाता है, जो तुम्हें भाई एक्सट्रीम में नहीं मिलता। तो रियल टाइम माइलेज और डिस्टेंस टू MPT ये तुम्हें दो चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं इसमें। बाकी यहाँ USB चार्जिंग पोर्ट है जो मीटर के पास ही दे रखा है, USB चार्जिंग पोर्ट तुम्हें एक्सट्रीम में भी मिल जाएगा, हैंडल के नीचे अभी दिखाता हूँ। और यहाँ स्विचेस वगैरह देखोगे तो थोड़े से अलग मिलते हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं वैसे ही जैसी आपको उसमें मिलती हैं। अब सुनो इसकी आवाज़। तो भाई पल्सर की आवाज़ अगर देखोगे ना तो यहाँ बेस थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। वजह क्या है? वजह है इसका इंजन। इस मोटरसाइकिल में 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिल रहा है, किक स्टार्ट इलेक्ट्रिक स्टार्ट दोनों हैं। इससे आपको मिलेगी 11.8 PS की पावर और 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क, सेगमेंट की सबसे ज़्यादा पावर देने वाली मोटरसाइकिल है। लेकिन ये ऑन पेपर है, परफॉर्मेंस कैसी है उसके बारे में बात करेंगे आगे। 5 गियर तुम्हें यहाँ पर कंपनी दे रही है, तो इंजन ज़बरदस्त है, साउंड तुमने सुनी लिया, बेस आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा एक्सट्रीम के मुकाबले। बाकी एक चीज़ जो USB चार्जिंग पोर्ट बता रहा था वो यहाँ मिलता है एक्सट्रीम में। और एक्सट्रीम के इंजन की बात करूँ तो भाई ये भी 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, स्प्रिंट EBT टेक्नोलॉजी है। इस इंजन से मिलेगी तुम्हें 11.6 PS की पावर और 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल रहा है। 5 गियर यहाँ भी मिल रहे हैं और परफॉर्मेंस यहाँ भी आपको अच्छी मिल रही है। लेकिन जब चलाने में बात करोगे ना तो भाई एक्सट्रीम की पावर और परफॉर्मेंस जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा बेटर फील देती है। वजह क्या है? वज़न। पल्सर का जो वज़न है वो 144 किलोग्राम है और एक्सट्रीम का जो वज़न है वो है 134 किलोग्राम, तो 10 किलो का फ़र्क है। 10 किलो हल्की है एक्सट्रीम, जिसकी वजह से पावर तुम्हें ज़्यादा मिलती है भगाने में। और फर्स्ट गियर में भी अगर उठाओगे ना तो वहाँ पर एक्सट्रीम की पावर तुम्हें ज़्यादा फील देती है पल्सर के मुकाबले। तो पल्सर का वज़न ज़्यादा है, जो कि एक बड़ी कमी है इसके साथ में। भाई बात कर लेते हैं डायमेंशन की। तो देखो डायमेंशन के हिसाब से देखोगे दोनों मोटरसाइकिल ऑलमोस्ट सेम साइज़ में तुम्हें देखने को मिलती हैं। सीट हाइट वगैरह में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्सट्रीम की जो सीट हाइट है वो है लगभग 794 mm, ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm, वज़न है 134 किलोग्राम।
और पल्सर का अगर देखोगे तो सीट हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, 805 mm है, तो शॉर्ट हाइट राइडर के हिसाब से देखोगे ना तो पल्सर थोड़ी सी ऊंची है, बाकी ग्राउंड क्लियरेंस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 1 mm इसका कम है बस। और वज़न जो है वो 10 किलो ज़्यादा, जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया 144 किलोग्राम वज़न के साथ में ये मोटरसाइकिल आती है। अब बात करें भाई राइड की और परफॉर्मेंस की, तो ऑन पेपर तो पल्सर NS जो है ना वो ज़्यादा पावर देती हुई नज़र आएगी, ज़्यादा टॉर्क देती हुई नज़र आती है एक्सट्रीम के मुकाबले, लेकिन एक्सट्रीम के पास कुछ एक प्लस पॉइंट है। सबसे पहली चीज़ तो इसकी राइड एंड हैंडलिंग जो है ना वो ज़बरदस्त है, उसके कई रीज़न है। पहला उसका रीज़न है सस्पेंशन, इसका फ्रंट सस्पेंशन जो है वो आपको ज़्यादा बेहतर मिलता है, ज़्यादा वाइड मिलता, ज़्यादा डाया के साथ में मिलता है, जिसकी वजह से राइड एंड हैंडलिंग इसकी अच्छी है। उसके बाद में इसके पास टायर भी चौड़े हैं, ये टायर साइज़ जो मैंने तुम्हें बताया फ्रंट में 90-90 है और पीछे जो है 120 है, ये आम तौर पे तुम्हें 150 cc या 160 cc की मोटरसाइकिल में मिलेगा, मतलब पल्सर ये 125 है, अगर 150 लेने जाओगे ना तो सेम टायर साइज़ तुम्हें मिलता है जो एक्सट्रीम 125 में तुम्हें मिल जा रहा है। तो बड़ी बाइक वाला टायर तुम्हें छोटी बाइक में मिल रहा है, वही सस्पेंशन मिल रहा है, जिसकी वजह से इसकी राइड और हैंडलिंग जो है ना वो 150 सीसी बाइक जैसी तुम्हें देखने को मिलेगी। और सोने पे सुहागा है भाई, इसमें मिलने वाला सिंगल चैनल ABS, तो जब बाइक चलाते हो हाई स्पीड में हो और ब्रेक करते हो तो पैनिक ब्रेकिंग में भी बाइक जो है वो एकदम स्टेबल रहती है, कोई परेशानी नहीं होती। अब ये लैग जो है वो आपको पल्सर के साथ में देखने को ज़रूर मिलेंगे। पहला वज़न ज़्यादा है, जिसकी वजह से अगर तुम इसे सडन पिकअप देखना चाहो या पहले गियर में उठाना चाहो तो बाइक जो है वो थोड़ी सी लेट उठती है। उसके बाद में ब्रेकिंग जो है वो कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है, ABS नहीं है, तो उतनी ज़्यादा अच्छी ब्रेकिंग नहीं है जितनी तुम्हें एक्सट्रीम में मिल जा रही है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, बाकी स्टेबिलिटी के मामले में देखोगे तो पल्सर NS में भी स्टेबिलिटी तुम्हें काफ़ी ज़बरदस्त मिलती है, क्योंकि वज़न ज़्यादा है और पूरा प्लेटफॉर्म वगैरह वही है जो NS 160 में आता है, तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी तुम्हें पल्सर NS में भी अच्छी मिल जाती है। आगे भाई देखो माइलेज की बात कर लेते हैं, माइलेज के मामले में तो एक्सट्रीम तुम्हें ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसके साथ में कंपनी पहले तो क्लेम ही काफ़ी अच्छा कर रही है, 66 के आसपास का क्लेम है। उसके बाद में कस्टमर फीडबैक जो है ना वो भी 50 से ऊपर है, 55-57 का माइलेज जो है वो ये निकाल के दे रही है। पल्सर में उतना माइलेज तुम्हें नहीं मिलने वाला है, पल्सर में तुम्हें अंडर 50 ही देखने को मिलेगा, ज़्यादा खींच के चलाओगे तो 45 के आसपास मान के चलो, बहुत अच्छे से चलाओगे तो 50 के आसपास मान के चलो। उसकी मेन वजह है इसका वज़न, ज़्यादा वज़न होने की वजह से यहाँ पर माइलेज का जो है वो तुम्हें ड्रॉप देखने को मिलेगा, और वज़न ज़्यादा होने की वजह से क्योंकि पावर लेट मिलती है तो ज़्यादा खींचोगे तो उसकी वजह से ओवर ड्रॉप हो जाएगा। तो भाई 45 से 50 की माइलेज आप मान के चलो पल्सर NS में, और एक्सट्रीम में आराम से 50 से 55 की तुम्हें मिल जाएगी, जो कि एक बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा और क्या कुछ मिल रहा है, तो भाई एक्सट्रीम साइड से कुछ ऐसी नज़र आएगी, 11 लीटर का तुम्हें यहाँ पर टैंक दे रही है कंपनी, एक्सटेंशंस वगैरह कुछ इस तरह के हैं, डिज़ाइन जो है वो काफ़ी डिफरेंट है इसका। और पीछे वाले टायर में देखोगे तो ड्रम ब्रेक मिल जाएगा, और पीछे का टायर सेगमेंट का सबसे चौड़ा टायर है, 120-80 सेक्शन का मिलता है, बाकी पीछे टायर हगर वगैरह देखने को मिलेगा। अब टायर हगर वगैरह तो पल्सर में भी मिलता है, यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ 17 इंच के अलॉय के साथ में 100/90 का टायर मिल रहा है, और पीछे टायर हगर वगैरह तुम्हें यहाँ भी देखने को मिलेगा, छोटा सा ये टेल टैडी देखने को मिलता है। तो दिखने में तो दोनों ही बाइक जो हैं वो अच्छी नज़र आती हैं, बाकी सीट वगैरह की बात करोगे तो दोनों में ही स्प्लिट सीट सेटअप देखने को मिलता है, और दोनों की ही कुशनिंग वगैरह भी जो है वो अच्छी मिल जाती है, लेकिन कीमत में बड़ा डिफरेंस है भाई। और कुछ एक चीज़ों में डिफरेंस है, जैसे कि फ्रंट के सस्पेंशन मैंने तुम्हें दिखाए तो वो तुम्हें एक्सट्रीम के बढ़िया मिलेंगे, बाकी रियर सस्पेंशन दोनों में ही मोनोशॉक सस्पेंशन आता है, उसके अंदर कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। फीचर्स के हिसाब से अगर देखोगे तो एक्सट्रीम आपको थोड़े से ज़्यादा फीचर देती है, जैसे कि ABS आपको पल्सर में नहीं मिलता, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है एक्सट्रीम के साथ वो है इसकी कीमत। ये मोटरसाइकिल तुम्हें 95,000 रुपये की शुरुआती कीमत से मिल जाएगी, नॉन ABS वेरिएंट जो है 95,000 का है, ABS वाला लेने जाओगे तो 99,500 रुपये में ABS के साथ मिल जाएगी, एक शोरूम प्राइस बता रहा हूँ, और 1,00,000 रुपये के अंदर अंदर एक शोरूम मिल रही है। पल्सर जो है ना थोड़ी सी महंगी हो रही है, पल्सर की प्राइस आ रही है 1,07,000 रुपये के आसपास, तो 7,000 से 7,500 रुपये का डिफरेंस है एक्सट्रीम के मुकाबले, 7-7,500 रुपये एक्स्ट्रा दोगे तब तुम्हें पल्सर मिलेगी, ABS नहीं मिलेगा। अभी तक किसी मॉडल में वेरिएंट में ABS नहीं आया है, LED इंडिकेटर नहीं आए हैं, हेलोजन ही कंपनी दे रही है, हजार्ड का फंक्शन नहीं है तो चारों इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये कुछ एक ऐसे फीचर हैं जो तुम्हें एक्सट्रीम में मिलते हैं, और वो भी कम कीमत में, जिसकी वजह से एक्सट्रीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है अगर तुम दोनों ही मोटरसाइकिल को देखते हो। हाँ, दोनों ही मोटरसाइकिल में पार्ट शेयरिंग भी हो रखी है। एक्सट्रीम के अंदर अगर देखोगे तो कुछ पार्ट जो हैं वो 160 से लिए गए हैं, कुछ जो हैं वो करिश्मा जैसी फील भी देंगे, जैसे कि एग्जॉस्ट वगैरह है तो ये सेम तुम्हें करिश्मा के जैसा लुक देता हुआ नज़र आता है। और पल्सर NS के अंदर भी सेम चीज़ है भाई, पार्ट शेयरिंग यहाँ भी है, NS 160 NS 200 वाला पूरा डिज़ाइन तुम्हें यहाँ पर मिल जा रहा है कम प्राइस में,
तो देखो अगर एक बड़ी बाइक वाला फील चाहिए, हैवी फील चाहिए, तो वो पल्सर NS में भी तुम्हें मिलता है। बाकी दोनों ही मोटरसाइकिलों में फीचर वगैरह जो है वो ज़बरदस्त है। अब तुम मुझे कौन में बताओ तुम्हें दोनों में से कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्यों, और क्या तुम्हें फीचर ऐसा लगता है कि जो तुम्हें चाहिए ही चाहिए, तो कमेंट करो और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो।